हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक छोटे से वीडियो में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मटर आलू की रेसिपी। तो देखिए, मैं एक सिंपल तरीके से मटर आलू की सब्ज़ी बनाकर दिखा रही हूँ। सिंपल तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगती है मटर आलू की सब्ज़ी। तो देखिए, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर ली है, आलू ली है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन और ये धनिया। तो देखिए, मैं इनको काट कर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटर के दाने निकाले काटा है और यहाँ पर ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को पीसूँगी और ये टमाटर और प्याज इनको भी काट लूँगी। यहाँ पर मैंने धनिया भी काट लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, तेल गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है और मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। ये जीरा डाल दिया मैंने और साथ ही कटा हुआ प्याज भी डाल दिया। तो देखिए, यहाँ पर ये प्याज को अच्छे से पका लेंगे और हमारा प्याज पक चुका है और मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो देखिए, ये टमाटर है जो हमारा, इसको पकने देते हैं। तब तक मैं ये जो यहाँ पर लहसुन और इसका एक पेस्ट बना लिया मैंने, यहाँ पर ये भी डाल दिया मैंने। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला था, ये मिर्च पीसी थी तो मैंने, और यहाँ पर मैं देखकर ही नमक यूज करूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, तो मैं इसका नमक बाद में यूज नहीं करूँगी। मैं इस अभी इसमें नमक डाल दिया मैंने और ये लहसुन पीसा था वहाँ से पानी लिया है। और ये यहाँ पर मैंने अदरक और हल्की सी मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, और हल्दी पाउडर, नमक भी डाल दिया था। मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक घोल बना लिया है मसाले का। और ये देखिए, हमारा प्याज और टमाटर हैं जो अच्छे से गल चुके हैं, और मैं ये जो घोल बनाया है मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें अच्छा थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी और इसको अच्छा सा पका लूँगी एक मिनट के लिए। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ये मसाला जो हमारा अच्छे से पक जाएगा और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा मसाला जो अच्छे से पक चुका है, और अब मैं इसमें ये सब्जी ऐड करूँगी, मटर आलू। देखिए, यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं और आलूओं को भी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आलू आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि 250 ग्राम मटर में थोड़े से ही दाने निकले हैं, तो मैंने आलू एक दो ज़्यादा ही काट लिया है, क्योंकि बच्चों के घर में तो थोड़ी सी सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही बनानी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया और 10 मिनट बाद चेक करूँगी मैं इसको, और 10 मिनट बाद ये आलू जो हमारे गल जाएंगे और मैं धनिया बाद में डालूँगी। तो देखिए, यहाँ पर 10 मिनट बाद सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और यहाँ पर मैं धनिया को डाल दूँगी। धनिया डालकर इसे आधा एक मिनट के लिए और पका लूँगी, ये जो धनिया का कच्चापन होता है ये भी अच्छे से चला जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम से तैयार है। तो ये एक सिंपल सा तरीका बताया मैंने सब्ज़ी बनाने का, और आप लोगों को वीडियो ये छोटा सा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर कमेंट भी कीजिए वीडियोज पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो मेरा मटर आलू का तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर